नमस्कार, इस समय हम श्री वर्धमान जैन परिषद मुंबई यूथ विंग का एक कार्यक्रम हुआ है, एक समाज को एक नई दिशा देने का आधार ये कह सकते हैं। ये केवल एक समाज की समस्या नहीं है, पूरे देश में हर समाज की एक समस्या हो गई है। लोगों का यही कहना है, माताओं और पिता का यही कहना है कि आजकल बच्चे कहना नहीं मानते। लेकिन सबसे बड़ी एक ऐसी सकारात्मक पहल यहाँ पर श्री वर्धमान जैन परिषद मुंबई यूथ विंग मुंबई में देखने को मिली। पहले सर्वप्रथम मैं पहुँचता हूँ हमारे मित्र युगराज जी जैन जो प्रमुख वक्ता थे। युगराज जी, सीधा सवाल प्रश्न आपसे ये है कि एक माता जी ने कहा कि बच्चे कहना नहीं मानते, उसको जब तक हम जीवन मूल्यों की कीमत नहीं समझाएंगे और जो दोस्तों का विश्वास उनके ऊपर ज़्यादा होता है, दोस्त अलग अलग प्रकार के, अलग अलग समाज के, अलग अलग खान पान के, खानदान के लोग जब आते हैं तो सबके विचारधाराएं अलग अलग होती है और उनका प्रभाव उन पर इतना होता है कि माँ बाप से भी ज़्यादा वो उनके बातों में आ जाते हैं और इस तरह वो पद से विमुख हो जाते हैं और नशे के आदि हो जाते हैं। नहीं, आपने कहा कि ऐसी संगत होनी चाहिए, तो माँ बाप के साथ तो संगत रहती है बहन, और उसके बावजूद भी आप मातृशक्ति हमेशा यही ख्याल रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारा कहना माने। चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी राहों पे चले, अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो तकलीफ ये होती है कि उनके आगे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको कोई सही राह दिखाने वाले युगराज जी जैसे हमें कोई मिल जाए। जो आप युगराज जी ने बोला कि आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, हम उनको समझाएंगे, हम तैयार है, लेकिन कोई हमें मिले जो उनको सुधार सके। आपको क्या लगता है, लगा कि बड़े सदस्य का केवल मातृशक्ति ध्यान रखती है लेकिन कभी कभी दुख तब होता है कि बच्चे कहना नहीं मानते, आपको लगता है? बच्चे मानते हैं, अभी समझो कि अपन प्यार से समझाते बिठा के तो लोग मानते भी है, समझते भी है कि अब फिर अब बिगड़े हुए नहीं होने चाहिए और बिगड़ने भी नहीं चाहिए, तो अपना विश्वास भी थोड़ा रहता है बच्चों पर। वो बोली बोली वो विश्वास के थ्रू थोड़े चल रहे कि नहीं अपने बच्चे ऐसे नहीं होंगे। इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में यूथ और माँ बाप साथ में भी इस तरह के सेमिनार होने चाहिए? अवश्य आएंगे। हमने परसों ही 26 जनवरी के दिन ही यूथ विंग की स्थापना की थी और उनका ये पहला कार्यक्रम था। मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमारी कोशिश जारी रहेगी और हमें युवाओं को जोड़ने के लिए हमारा इस ये वर्ष का ज़्यादा टारगेट है। दो साल पहले हमारे मेरे निवर्तमान अध्यक्ष श्री भवन राज जी ने महिला विंग का गठन किया और उनको जोड़ा, आज वो भारी तादाद में आपके समक्ष उपस्थित है। एक यूथ डिबेटिंग होनी चाहिए और साथ साथ में पेरेंट्स और यूथ दोनों की साथ में जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए और दोनों की तरफ से उनकी क्या तकलीफें हैं, पेरेंट्स की क्या तकलीफें हैं, एक तरह से डिबेटिंग होनी चाहिए ताकि उसका कोई ना कोई सही माध्यम ढूंढा जा सके, सही सॉल्यूशन उनको मिल सके, युवाओं को नई राय मिल सके। ऐसा आज के वातावरण में हो गया, आज का वातावरण कैसा है, सब अपन न बेटी को समझा सकते हैं न बहू को, सब अपनी अपनी राय में चलते हैं, अपनी अपनी मर्जी से। अपन कुछ कहना चाहते हैं तो वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे, बहू भी मान जाएगी, बेटी मान जाएगी, पर अपन वो ये समाज भी इतना है कि अपन आगे जाने के बढ़ने के लिए बोलते हैं कि चलो करो कुछ भी करो। क्या कारण है कि हमारे बच्चे हमें कहने में नहीं होते, क्या कभी ढूंढने की कोशिश की आपको? एक मिनट आप बताइए। संस्कार की कमी है, संस्कार की कमी भी कहा, लेकिन संस्कार बाजार में तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ हाँ बताइए, माँ बाप से ही मिलता है संस्कार। अब माँ बाप कितने ही अच्छे हो, संस्कार दिया, फिर भी वो बच्चे जो है कहना नहीं मानते। हम अपने आप को धारे में देखते हैं ना कि हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमारे बच्चे क्या क्यों नहीं मान रहे, इसके पीछे हम शायद संस्कार तो दे रहे हैं पर उन्हें समय नहीं दे पा रहे, मतलब समय की कमी है, समय की कमी के कारण हम उन्हें शायद उन्हें जितना प्यार चाहिए या हमारा समय चाहिए वो नहीं दे पा रहे, तो हम उन्हें समझा भी नहीं पा रहे कोई बात की ये आपके लिए गलत है, ये सही है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सब हम समझा ही नहीं पा रहे। आप यूँ थे, आपने ये बात कही कि समय नहीं दे पा रहे, सच क्या है? समय से ज़्यादा समझा, मतलब अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे माँ बाप को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे तो शायद मैं उनको नहीं बताऊंगी, डर। हाँ, तो इसका मतलब एक सबसे बड़ी बात उभर करके आई। हाँ आप बताइए। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये सब बच्चों आजकल माँ बाप का तो कहना मानते हैं बट अपने फ्रेंड सर्कल के कारण ये बच्चे लोग अपने से दूर होते जा रहे हैं। ये सब जो फ्रेंड सर्कल है उनके फ्रेंडों में 10 लोग होते हैं। हाँ बोलिए।
10 फ्रेंड होते हैं, कई अलग अलग बिरादरी के होते हैं, तो बच्चे उसको कनेक्ट कर जाते हैं। माँ बाप से तो साथ में रहते हैं पर बच्चे समझ नहीं पाते कि मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए फ्रेंड सर्कल साथ में जाकर के हुक्का पार्लर में चले जाते हैं। आपने आज एक संकल्प किया है और आपने जो है उस अभियान को शुरू किया है, तो निश्चित रूप से युवाओं को क्या संदेश है आपकी तरफ से? युवाओं को मेरा ये संदेश है कि कई युवा ऐसे बोलते हैं कि पिताजी कुछ कहते नहीं, और पिताजी बोलते हैं कि युवा समझते नहीं हैं। मेरे हिसाब से माँ बाप उनको कहते भी नहीं हैं, वो कोई अभी बोला कि समय नहीं है। अभी समय तो जो एक दिन में 24 घंटे है तो 24 घंटे ही हैं, वो समय कोई बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन समय क्यों नहीं देते हैं ये समझना चाहिए। और वास्तव में मैं बोलता हूँ सुनते भी नहीं है बच्चे, समय क्या देगा सुनता ही नहीं है। और बच्चों को ये उनको समझना चाहिए कि ये हुक्का पार्ले अपन कितना खराब है और कितना नुकसान कर रहा है अभी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों को माँ बाप समझाते लेकिन समझते नहीं है, इसका क्या कारण? कारण ये है कि आजकल बच्चों को समझाना बहुत आसान है, बशर्ते हम उसके दोस्त बन के रहें। माँ अगर बेटी की सहेली बन जाए और पापा अपने बेटे के दोस्त बन जाए, अपने सामने वो बड़े होते हैं, तो हम बचपन में बड़े होते दोस्ती के साथ व्यवहार करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो बाहर के दोस्तों से दूरियां रखेंगे और अपनी बात पहले मानेंगे। लेकिन आज किसी माँ बाप, जिस माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उस माँ बाप को बच्चों को जन्म देने का अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, आपने एक और कदम आगे बढ़ाया, आप कुछ कहना चाहेंगे बोलिए। मैं जो अभी महिलाओं से जो बात आई कि भाई समय की कमी है, एक्चुअल में समय हमारे पास है लेकिन हमारे सामाजिक रीति रिवाज इतने ज़्यादा है कि उसमें से हम समय निकाल नहीं पाते बच्चों के लिए। ये इधर जाना, हॉस्पिटल जाना, मिलने जाना, वो जाना, शोक में वगैरह, इतने ज़्यादा जो नियम बन गए हैं उन नियमों पे भी सुधार की आवश्यकता है। तो और क्या, मैं पूछना चाहता हूँ तो क्या ये संस्था जिम्मेदारी संभालेगी बच्चों की? ये संस्था जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मैं पट्टी के अध्यक्ष से ये निवेदन, जिम्मेदार नहीं, माँ बाप बता दें समय नहीं दे पा रहे तो क्या संस्था समय दे पाएगी? क्योंकि संस्था का काम है अवेयरनेस देना, संस्था का काम है बच्चों को समझाना, संस्था का काम है माताओं को जो है गाइडलाइन देना कि बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो पट्टी के अध्यक्ष यहाँ पे विद्यमान है, मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ, उनका अभी अधिवेशन भी होना जा रहा है, मैंने जैसा सुना है कि उनका अभी थोड़ा दिन में अधिवेशन होने जा रहा है, तो उसमें रीति रिवाजों पे चर्चा करें और रीति रिवाजों को कम से कम करें जिससे लोगों को परेशानी भी नहीं हो, हमारा खर्चा भी नहीं हो और बच्चों को भी हम अपना समय दे पाए। पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बात, आप साल में कितनी बार गाँव जाते हैं अपने बच्चों को लेकर? देखो अभी ऐसी बात है, साल में जो अभी बच्चे हमारे तो बड़े हैं, मतलब आज को 40 साल है 50 साल के बच्चे हैं, वो मेरे साथ में कभी कोई फंक्शन शादी होती तो जाते हैं, बाकी ऐसे लेके नहीं जाते और नहीं आते हैं। तो एक मिनट आप, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ अंगारा जी बोलिए, आप एक सेकंड बोलिए। मेरे को बच्चों के बिगड़ने में सबसे बड़ा प्लस, जो माइनस पॉइंट दिखता है, बच्चों की संगत, बच्चों की जो दोस्ती होती है, उनके दोस्त कैसे हैं। मेरी माँ बाप से यही गुजारिश, अगर माँ बाप अपने बच्चों के दोस्तों का ध्यान रखें, अगर दोस्त सही होता है तो बच्चे को कहीं और, मतलब कहीं ऊंचाइयों पे ले जाता है, और अगर दोस्त अपना गलत होता है तो वो अपने को गलत रास्ते में, ये उदाहरण मेरी जिंदगी में मेरे बचपन में मेरे साथ हो चुका है। मैं यहाँ पे जब अकेला सर्विस करने को आया था तब मेरे फादर को किसी ने बोला कि इसकी संगत खराब है, वो है, तो फादर का लेटर आया था मेरे को, आज भी मेरे पास वो 35 साल पुराना लेटर आज भी मेरे पास संग्रहित है, और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे मतलब उन्होंने जो शिक्षा दी थी उसी दिन से, वो लेटर आने के बाद से मैंने उनको लिखा था कि मेरे ये दोस्त है, आपको कौन से दोस्त अच्छे नहीं लग रहे हैं, कोई भी दोस्त अच्छा नहीं लग, मैं उससे दोस्ती नहीं रखूंगा। जो टाइम निकल जाएगा धीरे धीरे तो रोग अलग अलग रास्ते में बच्चे चले जाएंगे, इसलिए मेरे ही समाज के अध्यक्ष बाबूलाल जी से पूर्ण विनती है कि आप सब लोगों को इकट्ठा करके बच्चों के इस सहयोग के लिए आप आगे आए और हम लोग जरूर आपके साथ आएंगे, आपको जो भी हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ आते रहेंगे। और सेकंड बाबूलाल जी, एक सेकंड हाँ हाँ बात कर रहे हैं, एक सेकंड आप दो मिनट रुकना, एक मिनट, हाँ आज युवाओं के, एक सेकंड, आप युवाओं के लिए आज जो मैं तो ऐसा विरोध अनुरोध करते हूँ कि बच्चों में जो संस्कार निर्माण के लिए जो बोल रहे हैं उनके लिए संस्कार निर्माण की कोई कार्यशाला रहनी चाहिए, जैसे हमारे कार्यशाला रहनी चाहिए। एक सेकंड, हाँ आप बोलना चाहिए, एक सेकंड मैं समझ जाऊँ, कार्यशाला रहनी चाहिए क्योंकि घर एक कार्यशाला होती है जो संपूर्ण जीवन को जीवन देने की पद्धत देती है। आप बोलना चाहिए, बोलिए।
जी हम बाबूलाल जी से एक निवेदन करना चाहेंगे, नहीं ऐसा जो आप सब रिवाज बांधते हैं उसमें ये एक रिवाज होना चाहिए कि जिसी भी शादी में टेरेस पे हुक्का रख रहे 3-4 दिन बच्चे पूरी पूरी रात वहाँ पे हुक्का लेते हैं, उस पर बैन लगाइए, जिसके घर में हुक्का है उनका बहिष्कार कीजिए, वो नहीं हो रहा है, समाज से बहिष्कार होने वाले बहुत सी चीज है, तो इस चीज का बहिष्कार क्यों नहीं? नशा नाश की जड़ है, बहन ने यही कहा कि निश्चित रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। देखो ये पहले से हुक्का बंद है और जो भी हुक्का घर में रहेंगे उसका बहिष्कार करने का ये पहले से तय है। हमारे समाज की संरचना भी महिलाओं और पुरुषों के साथ इसी तरह से, हमारी मर्यादाएं भी साथ में रहे और हम जो है समाज के लिए, और ये जो आज जो परिप्रेक्ष्य हुआ है, आज जो आंखों में आंसू छलके माताओं के कि हमारे बच्चे कहीं जा रहे हैं और उनको रोकना है, तो पुरुष वर्ग भी, ये पुरुष प्रधान समाज भी आपके साथ खड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द आपको होता है, तो आप इस अभियान के लिए तैयार हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ हम लोग सब तैयार है, हम तैयार है। जी जी आप इधर आइए, आप कुछ, हाँ बताइए, आप भी युवा है, बोलिए आखिर क्यों लगती है नशे की लत और क्यों जो है परिवार बिखरते हैं? सभी युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो माँ बाप समय दे नहीं पा रहे, वो बहुत बड़ी समस्या है, और संस्कारों भी की बहुत बड़ी समस्या है, अच्छे संस्कार दें, उनको समय दें और उनके आगे सरेंडर नहीं हो जावे। बच्चे हमारे को ब्लैकमेल करते हैं, मतलब माँ बाप को कि हमारे फ्रेंड नहीं आएंगे और उनके आगे मेहरबानी करके, बहुत सारी व्यवस्था रहती है। आपने पूरी डिबेट को देखा, माताओं और बहनों ने भी इस डिबेट में पूरी तरह से भाग लिया, युवाओं ने भी और संस्था के पदाधिकारियों भी ने लिया, कुल मिलाकर के निचोड़ यही निकला कि ये समस्याग्रस्त है और इस समस्या से निदान पाना सभी के लिए आवश्यक है, माताओं बहनों के लिए तो विशेषकर आवश्यक है, और हर हिंदुस्तानी दिल पे हाथ रख के कहेगा कि इस कालखंड में युवा भटक रहा है जैसा। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ आइए, आप इधर आइए। युवा देश की एक ताकत है और युवा जब भटक जाएगा तो देश का क्या होगा, और युवा नहीं भटके उसके लिए आपके क्या थॉट है? युवा अगर भटक जाएगा तो देश कंगाल हो जाएगा, उसके लिए युवाओं को आगे बढ़ाना होगा और उसके साथ परिसंवाद करके भी उनको समझा के भी अपने समाज को आगे बढ़ाना। सबसे बड़ी समस्या यह है कि युवा नशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और एक दूसरी सबसे बड़ी उभर करके समस्या ये सामने आई कि बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, अलग अलग चीज़ें दायरों में देखा जाना चाहिए, लेकिन आम कॉमन युवा को अपनी शक्ति का देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए किस तरह से कार्य करते रहना चाहिए? युवा कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है और उसका दिमाग बहुत आगे दौड़ रहा है, हम उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के मेरे को ऐसा लगता है कि हम नहीं चल पा रहे हैं। और तो आखिर निदान क्या है? नहीं चल पा रहे तो बच्चा आगे निकल जाएगा, हम वहीं रख जाएंगे, ये तो हो ही रहा है, और उसको रोके क्या, रोकने का उपाय क्या हो सकता है? उपाय तो अभी हम खुद इतना सोच नहीं पा रहे। आप भी कन्फ्यूजन है कि आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं समझ पाए, इस तरह की सेमिनार होनी चाहिए, आप बताइए, इसी का उत्तर दीजिए। नहीं, क्या होता है, बच्चे पहले नशा करना जब चालू करते हैं ना, माँ बाप उनको छुपाते हैं कि मेरा बच्चा बदनाम हो जाएगा, शादी नहीं होगी, वो नहीं होगी, अगर उसी टाइम उसको ब्रेक लगाएंगे, कोई अच्छी संस्थाओं में वगैरह भेज के उनका ट्रीटमेंट अगर ये करा दिया हुआ तो बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। ये कई केसेज, सारे केसेज में ऐसा नहीं होता होगा, कई केसेज होता है, हमें युवाओं को बताना पड़ेगा कोई भी इवेंट सेमिनार से कि इसकी कितनी प्रॉब्लम्स होगी आगे फ्यूचर में, अगर सपोज कोई डिजीज, कोई भी बीमारी इसमें घुस गई तो आगे की जिंदगी वो क्या करेंगे? चलो एक डिटेल करना है, मतलब एक कार्यक्रम को ये करना होता है। आप बोलिए। सब मुक्त के लिए बहुत समझाते हैं, तो बच्चों को वो शिविर में भेजना चाहिए ताकि उनका मन बदले और उनका ध्यान भी बदले और वो नशे से मुक्त हो, जैन शिविर में भेजना चाहिए। जी सर, इस तरह के शिविर लगते हैं तो वहाँ पर भेजा जाना चाहिए। एक अच्छा अभियान शुरू हुआ है यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन एकनाथ के साथ शुभ समय, ऑनलाइन लाइव डिजिटल न्यूज चैनल मुंबई।